मुझे तो लगा आज गई क्लास, दो दिन से सिस्टम में डिस्प्ले नहीं ले रहा, मैजिक कार्ड काम नहीं कर रहा, बिकॉज इसमें एक मैजिक कार्ड लगा होता है जो लैपटॉप से पीसी में इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मैजिक कार्ड काम नहीं कर रहा था। उसको ऑर्डर दो तो डिलीवरी दिखा रहा है 21 से 25 अप्रैल। तो क्या किया, पुराने कार्ड को ही बैठ के 2 से 3 दिन ठीक कर रहा हूँ, होने रहा, रात को ठीक भी हो गया था, इस याद आधे घंटे पहले ही बैठ गया था, फिर वो काम करना। लास्ट टाइम में धोखा, हम लोग अगर आज धोखा दिया तो मैं धोखा दे दूँगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है, भगवान की दया है, आशीर्वाद है कि आज की क्लास हो सक रही है। थैंक यू वेरी मच, इट्स योर ऑल विशेस। GST कहानी लेक्चर नंबर 20, आज सेक्शन 17 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और संडे को लास्ट क्लास है ITC का, संडे ITC का लास्ट क्लास है, चाहे 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 2.5 घंटा लगे, संडे को ITC ख़त्म करेंगे। आप सोचेंगे कल सर कल का क्या हुआ, कल दोस्त कल अष्टमी है तो कल घर पे फंक्शन होता है बहुत बड़ा, तो कल हम लोग क्लास नहीं लेंगे, पहले बता देता हूँ, फिर आप लोग बोलोगे क्योंकि कल महाअष्टमी है तो कल क्लास नहीं लेंगे। संडे को 2 घंटे लगेंगे सेक्शन 18 को ख़त्म करने में, फिर मंडे ट्यूसडे फिर मैं रेगुलर क्लास लूँगा, फिर तो सारी कुछ नहीं होगा, फिर तो 3-4 दिन में ख़त्म। ओके, देखिए हमारे यहाँ आइकॉनिक भी होता है, हमारे यहाँ प्लस भी होता है। आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस होती है, स्टडी प्लानर होता है, स्टडी मटेरियल होता है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन होती है, और टेस्ट एनालिसिस होता है। आपको पता है अगर आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट की सीरीज काफ़ी ज़ोरदार है, ठीक है ना। ओके, हमारे यहाँ पे आइकॉनिक और प्लस दोनों का आप देख सकते हो, आइकॉनिक प्लस इन सब चीज़ों का आप देख सकते हो। प्राइसेस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है ना, VV10 के कोड को यूज़ करोगे तो आपको भारी डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यस सर, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, भारी डिस्काउंट मिलेगा, बहुत बड़ा डिस्काउंट है 10%। पहले भी बोला था कि ये किसके लिए वैलिड है, नवंबर 2022 और उसके बाद, या कोई भाई बंधु आपका फाउंडेशन दे रहा उसके लिए, इस कोड को बस वायरल कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है सर, ठीक है ना। और आपको पता ही है कि अब टैक्स रेस्क्यू में क्या है, ये स्पेशल क्लास है, ये स्पेशल क्लास चालू कर रहा हूँ कल से, संडे से स्पेशल क्लास है, प्रैक्टिकल अब चालू हो रहा है संडे से। अब देख लीजिएगा इस संडे से लेके संडे टू 10 मई तक यहाँ पे केवल प्रैक्टिकल चलेगा। रामबान में आज IFOS है, आप इसके बाद मैं कराऊंगा बिजनेस कैपिटल गेन और आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन, रामबान ख़त्म हो जाएगा 20 तारीख तक, रामबान उम्मीद है साफ है। पर ये जो संडे से जो स्पेशल क्लास चलेगी प्रैक्टिकल का, ये आपकी जो स्टार्ट होगी 10 मई तक मैं प्रैक्टिकल लूँगा, और नेक्स्ट सैटरडे जो भी तारीख है मुझे नहीं पता, सैटरडे को GST का लास्ट सेशन होगा। बस थैंक यू वेरी मच, अब हम आगे बढ़े। यस सर, आप आगे बढ़िए, आइए। लास्ट क्लास में मैंने एक चार्ट बनाया था, क्या चीज़ का चार्ट बनाया था दोस्त, मैंने लास्ट क्लास में एक चार्ट बनाया था, मैं उम्मीद करता हूँ ये चार्ट आपको काफ़ी समझ में आया होगा, ठीक है, आ जाइए जल्दी से, वीडियो को लाइक कर दीजिए, माता रानी देख रही है, आ जाइए। 15 सबसेक्शन है, तो नेक्स्ट सैटरडे विल बी द बिग डे फॉर ऑल ऑफ यू। ओके सर, समझ गए हम लोग। 17(5)A की बात मैं कर रहा था, 17(5)A की जब मैं बात कर रहा था तो मोटर कार के ऊपर लिखाया था, व्हीकल के ऊपर एयरक्राफ्ट के ऊपर। वो अभी पार्ट जब तक रामबान ख़त्म नहीं होता है तो वो कोई भी टाइम हो सकता है, जनरली ट्राई करूँगा मॉर्निंग में जनरली या दिन में, और रामबान ख़त्म होते ही वो रात को 8 बजे फिक्स है, मैंने 21 तारीख से लेकर 10 तारीख तक तो रात को 8 बजे है, ये बात याद रखना। 21 से रामबान ख़त्म होगा वो फिक्स टाइम हो जाएगी, वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा सब कुछ। ओके, इसके बाद जहाँ तक मोटर कार की बात है,
एक बात बता दो मुझे, मोटर कार के बाद तुम लोगों को मोटर कार में दिक्कत हुई? बोला नहीं सर, मोटर कार का सारा प्रॉब्लम बना लिया था, बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। तो एक क्वेश्चन और हो जाए। हाँ सर, एक क्वेश्चन और करवा देते तो मज़ा आ जाता। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या है सर इस इलस्ट्रेशन में? देखो, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ITC अवेलेबल टू कल्याण लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विस। अभी प्रॉब्लम करने का एक अलग मजा है। बोलो क्यों? क्योंकि अचानक तुमको एक दिन बाद तुमको ITC दिया जाए और बिना रिवीजन के, वो भी सर आपने रिवीजन नहीं करा, मैं तो कराऊंगा ही नहीं रिवीजन, देखता हूं तुम्हारा बुद्धि कितना दौड़ रहा है। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 7%, यस और नो? यस और नो, जल्दी 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 एकदम फटाफट तूफान की तरह आंसर देना चालू कर दो, बिना कुछ सोचे और समझे कौन क्या कर रहा है इससे मत माथा लगाओ, सीधा सीधा आंसर देना चालू करो। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी, मोटर व्हीक बस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड, हाँ दादा हाँ, यहाँ पे तो हाँ है क्योंकि 14 है। ओके ठीक है, मोटर लॉरीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, बस 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 गुड्स देखते ही हाँ दादा। फूड एंड बेवरेज, अच्छा ये क्या आ गया, फूड एंड बेवरेज अभी आने वाला है, ये सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज बी में आएगा, अभी पढ़ाऊंगा, 2 मिनट का इंतजार दे दो। सर्विस ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर लॉरीज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स, हाँ दादा। जब गुड्स के लिए है तो उसका भाई बंधु भी होगा। सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, ना दादा। सर्विस ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, हाँ दादा। ये तो सर चिल्तू हो गया, एकदम चिल्तू है दोस्त, एकदम चिल्तू है। तो सर एक काम करो ना, खत्म ही कर दो ना, लो बेटा खत्म कर लो, लो आ जाओ, आ पेज नंबर 23 सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी, ये क्या है सर? बोला देखो भाई ऐसा है ना बाबा, इसमें जो ना एकदम ये जो तीन जो देख रहे हो ना, ये तीन ये तीन ये तीन ये तीन ये तीन नहीं यतीम है, ये तीन नहीं यतीम है, ये माना जाता है बेसिकली पर्सनल होता है। क्या माना जाता है? बेसिकली ये पर्सनल नेचर का है, इसलिए यहाँ पे ITC की कोई बात ही नहीं करेंगे। क्या क्यों सर? मैंने कहा नहीं पर्सनल नेचर का है, कौन से नेचर का है? पर्सनल, कौन से नेचर का है? पर्सनल, प्योर पर्सनल नेचर का है, तो यहाँ पे ITC की बात नहीं करेंगे। बोला क्या बेटा, अब ये सब जो है ना, तुम लोग जो आते हो ना अचानक क्लास में कूद कूद के, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जो पढ़ाना था पढ़ा दिया, पिछले क्लास में जाके देखो उसमें क्या चीज की गई है। देखो, मेंबरशिप फीस, आप किसी क्लब के मेंबर, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, सर ये हुआ ना, अरे क्लब में गए हेल्थ, तो ये मेंबर ऊपर वाला में, अरे वाला कहानी नहीं सुने थे जस्सी और जॉनी भैया? जस्सी एक क्लब का मेंबर था, जॉनी भैया के संग यहाँ पे दोस्ती हुई और दीपक भाई के संग भी दोस्ती हुई, तीनों भाई 31st को नाइट में क्लब में गए, मेंबरशिप क्लब में गए, वहाँ एकदम मस्त होके पार्टी मनाए, 2 बजे बाहर निकले, ऐसे ऐसे हिलते हुए सामने ऑटो वाला खड़ा था, रंजीत रॉय ऑटो वाला, रंजीत रॉय ऑटो वाला, देखा 3 मुर्गा आ रहा है, आके दीपक भाई ने कहा भाई हमको वहाँ पे छोड़ दोगे, वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर। रंजीत भाई ने बोला हाँ, तीनों के पैर लड़खड़ा रहे हैं, जॉनी भाई बड़े आदमी हैं, जॉनी भाई सामने बैठ गए, बाकी ये दोनों लोग ऑटो के पीछे बैठ गए। रंजीत भाई ने क्या किया, ऑटो को न्यूट्रल किया, घों 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 करते रहे, 5 मिनट बाद बोला बाबू आ गया, थोड़ा सा ऑटो को सस्का के, आह दीपक भाई तो बोलो क्या गले लग गया, बोला तुम नहीं होते तो मैं कैसे घर पहुंचता। फिर उतरे कौन, हमारे दूसरे भाई कौन थे, रंजीत उनके साथ कौन थे, एक तो दीपक भाई था, एक जॉनी भैया थे, और एक कौन थे, अरे नाम भूल गया मैं, कौन था रे तीसरा, कौन था दीपक भाई तो उतर के गले मिल लिए, तीसरा कौन था रे प्रिया,
जॉनी रंजीत रक्षित, अच्छा रक्षित तक है, जस्सी भाई, जस्सी भाई, जस्सी भाई का तो छोड़ दो, जस्सी भाई का तो पाँव भी जमीन पे नहीं, हो तो लग रहा है उसको हवा में उड़ रहा है, वो एकदम पैर पे लौट गया, अरे तुमने मेरे को रात को बचा लिया। वाह, अब बारी आई जॉनी भैया की, जॉनी भैया ने तो तमाचा दिया रंजीत को, मेरी तरफ से भी देना, बहुत नालायक है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, 3 दिन गायब रहता है, 1 दिन अचानक आता है, मेरी तरफ से भी दे दो जॉनी भैया। जॉनी भैया ने 3 तमाचा दिया, बोले अरे बेशरम, रात का टाइम है, ट्रैफिक खाली है, इतनी तेज कोई ऑटो चलाता है क्या, गिर जाता तो क्या होता। तो ये सब जो लोग हैं ना, पर्सनल क्लब मेंबरशिप, हेल्थ एंड फिटनेस, ट्रैवल बेनिफिट LTC, जो अपने परिवार के साथ कश्मीर में छुट्टियां मनाने जा रहे, इन लोगों के लिए ITC कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्सनल नेचर का है। ये तो याद ही हो गया सर। हाँ, अब आ गया ये दो, ये दो क्या कहता है, ये दो ध्यान से देखना। तो ये तो खत्म हो गया, बोला हाँ सर ये तो खत्म हो गया, इन दो के लिए क्या कह रहा है ध्यान से देखना। बोला लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस या रेंटे कैप। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, ये जो रेंटे कैप का जो प्रोविजन है ना, इसमें बेसिकली इंडिया में हमारे रूल है कि 10 बजे के बाद अगर आप फीमेल एम्प्लॉय को छोड़ते हो तो उसको कैप करके देना पड़ेगा। तो इन दोनों के लिए सरकार ने लिखा, अगर ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है, अगर मैंने अंडर ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेटरी है तो ITC मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने अपने एम्प्लॉय का लाइफ करवा दिया, हेल्थ करवा दिया, रेंट ए कैब की फैसिलिटी दिया, ऑल दो अलाउड इफ सर्विस आर ऑब्लिगेटरी, दो लाइन में काम खत्म। बोला ओके सर। ये 3 के बारे में, ये जो 5 बज गए इनके बारे में तो ध्यान से कर लो, इनके लिए लिखा है सेम लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए, सेम लाइन, जैसे सेम लाइन ऑफ बिजनेस। अभी बर्थडे है, किसका बर्थडे है, अभी बर्थडे है, मान लो अमीषा गुप्ता जी का बर्थडे है, अमीषा गुप्ता जी बर्थडे में सबको बुलाई और ले गई बर्गर किंग, बर्गर किंग में गई जाके, या मैकडी में चली गई, या वहाँ पे जाके इसने ऑर्डर किया, पिज्ज़ा दीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक दीजिएगा, बगल में एक और तो लिखा होता उसमें पे जूस वूस की दुकान थी, उसको बोला जूस दीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ आए। तो आप लोगों, यानी कि ये कहाँ गई, फूड एंड बेवरेज के वहाँ गई, जो फूड एंड बेवरेज की दुकान थी वो किसकी थी, वो हमारे रैबिट जैन की थी, रैबिट जैन वहाँ पे, यस मैडम आप बोली क्या क्या चाहिए सर, आप बुकिंग कर लिया। ये सोचो जो ये सप्लाई कर रहा है फूड एंड बेवरेज वाला, ये जो कोल्ड ड्रिंक है या जूस है या जहाँ पे भी है या ब्रेड, ये लोग कहीं से न कहीं से तो पकड़ परचेस करके ला रहे हैं, और परचेस करके ला रहे हैं, और सेम नेचर ऑफ सप्लाई है, परचेस किया सप्लाई किया, परचेस किया सप्लाई किया, सेम नेचर ऑफ एक्टिविटी में है, तो इनको सेम लाइन ऑफ बिजनेस होगा तो ITC मिलेगा, और सेम लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं होगा तो ITC नहीं। आउटडोर कैटरिंग, आउटडोर कैटरिंग बहुत बड़ा वर्ड है। अब बताओ नदीम भाई है, नदीम भाई का बहुत बड़ा कंपनी है, नदीम भाई ने क्या किया, एक दिन कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई, और नदीम भाई ने एनुअल जनरल मीटिंग में कैटरर को फिक्स किया, उसका कैटरर कौन, अनुज गोयल, अनुज गोयल कैटरर, नाम से पता चला गोयल एंड कैटरिंग सर्विस, नाम से देखो फीलिंग आ रही है ना कैटरिंग वाली, गोयल एंड कैटरिंग सर्विस, गोयल को कन कर। तो गोयल भाई क्या कर रहे हैं आउटडोर कैटरिंग के केस में, ध्यान से समझना, दो चीज़ें समझना, गोयल भाई कैटरिंग की सर्विस दे तो गोयल भाई तो भैया GST लगाएंगे, अनुज भाई ने GST का पेमेंट किया, अनुज भाई ने मुझसे पूछा कि सर मैं ITC ले लूँ, तो मैंने कहा नहीं भाई, अनुज सॉरी सब भाई ने पूछा कि सर ITC में, मैंने कहा नहीं बेटा तुम तो, बोला सर क्या हुआ, तो AGM भी तो बिजनेस का ही पार्ट है ना, मैंने अपने शेयर होल्डर को खाना खिलाया, अरे बावले आदमी AGM बिजनेस का पार्ट है, पर तेरा बिजनेस तो नहीं है ना गधा कहीं का, सेम लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए कैटरिंग में। बोला नहीं सर, हमें उसी जगह एक पॉइंट आया, तब मुझसे पूछा किसने, अनुज भाई ने, मैंने कहा बोला हाँ क्या हुआ, बोला सर एक प्रॉब्लम आ गई, मैंने क्या हुआ बेटा क्या हुआ, बोला सर वो ना क्या बोलूँ, गोलू मिश्रा की शादी है, मैंने कहा गोलू मिश्रा, वही मिश्रा जी, अरे बाबा उसका कॉन्ट्रैक्ट मत लेना, नहीं सर वो मेरे पास आया था, बोलो क्या बोला, बोला शादी है मेरी 120 तरीके की मिठाई बनाने बोला, मैंने कहा 120 तरीके की, वो कंजूस आदमी 120 तरीके की मिठाई क्या बोल रहे, बोल हाँ सर ससुराल वाले पैसा देंगे, अच्छा ये का चक्कर है, अच्छा गुल मिश्रा तो सर 120 तरीके की मिठाई मैं कैसे बनाऊंगा बताइए, तो मैं काम करो बेटा तुम विवेक को फ़ोन कर लो, प्रीति को फ़ोन कर लो, बेस्ट को फ़ोन कर लो, सुजाता को फ़ोन कर लो, और तुम ममता को फ़ोन कर लो, ये पाँचों भी तो कैटरिंग दे रहे हैं, इनसे 10-10, 15-15 आइटम इनसे बनवा लो और 120 आइटम पूरा करो। तो बोला ठीक है सर। तो जो गोलू मिश्रा को जो जो
ममता सर्विस देगी या कोई भी सर्विस देगा, वो भी कैटरिंग है, पर वो कैटरर वाले जीएसटी लगा के देंगे अनुज गोयल को, तो अनुज गोयल को जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। यस, अनुज गोयल को जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा क्योंकि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, ब्यूटी ट्रीटमेंट। हो ये तो पक्का ही, ये तो क्या बताऊं मैं, ये तो कीर्ति है। ओ माय गॉड, कीर्ति नेपाल से इंडिया आई, इंडिया के कोलकाता मुझसे मिलने आई। मिलने के पहले इसने प्रोग्राम बनाया, एक गई ब्यूटी ट्रीटमेंट वाले सेंटर में गई, जाके बोली मेरे गर्ल में डिम्पल हो जाए, ऐसा कुछ कर दीजिए। तो ब्यूटी ट्रीटमेंट वाले ने इसको डिम्पल की सर्विस दी। तो ये ब्यूटी ट्रीटमेंट वाले भी किसी से सर्विस ले रहे होंगे ना, क्योंकि अगर वो किसी डॉक्टर से भी सर्विस लेते हैं, ऐसे तो हॉस्पिटलाइजेशन की सर्विस या MBBS की सर्विस एग्जम्प्ट है, पर ब्यूटी ट्रीटमेंट और प्लास्टिक सर्जरी में एग्जम्प्ट नहीं है। तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में हेल्थ सर्विस, जानते हो आज के तो पूरा इंडिया किसमें इंगेज है, हेल्थ। सब कोई बॉडी बनाने में, हेल्थ में खाएंगे, पहले दिन भर खाएंगे क्या, बर्गर पिज्जा, फिर खाएंगे चाउमीन ये, फिर जंक फूड में कोल्ड ड्रिंक, पीने के बाद शाम को ही रुकेंगे। अरे भैया, आज हेल्थ इज़ अ वेरी बिग बिजनेस, तो हेल्थ सर्विस वाले भी सर्विस लेके किसी को देते हैं, सेम लाइन ऑफ बिजनेस है। एंड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी लाइक ब्यूटी ट्रीटमेंट, अगर ये जो सर्विसेज है, चाहे फूड बेवरेज हो, कैटरिंग हो, ब्यूटी ट्रीटमेंट हो, हेल्थ हो या कॉस्मेटिक हो, अगर ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस कर रहे हैं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, दे आर अलाउड। बोला शाबाश सर, ख़त्म हो गया। सर एक क्वेश्चन था, अभी आपने यहाँ पे क्वेश्चन में आपने 15B कराया था, वो सॉल्यूशन दे देते तो अच्छा होता। मैं भी वही सोच रहा हूँ, एक जगह हम छोड़ के आ गए। देखो फूड एंड, ओ भाई साहब, ओ मेरी जहर जबी तुम्हें मालूम नहीं, हाँ फिर बाद में बोलेंगे बॉडी नहीं बन रही बेटा, सुबह शाम खाएंगे ये सब खाने के बाद, रात में थोड़ा सा जॉगिंग करेंगे और पसीना आ जाएगा। हेलो क्या कर रहे हो, आई एम बिजी विद जॉगिंग, यू नो आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस। नालायक आदमी, सुबह से बर्गर पिज्जा चाउमीन खा रहा, तो रात को शाम को तुमको होश आ रहा है, समोसा चाट टू समोसा चाट तुमने चपेट लिया है और तुमको रात को बॉडी दिख रही है। हम ही को बताते हैं, सब चोचलेबाजी मत कर तू। देख ये रहा, फूड एंड बेवरेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम स्वीट कैटरर फॉर बींग यूज इन डीलर मीट, एकदम ना, क्योंकि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं है। सर ये तो हंसते हंसते, देखो बेटा कुछ चीज़ें हंसते हंसते हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात होती है, जिंदगी का पहला वसूल है, कुछ चीज़ें हंसते हंसते होनी चाहिए। तो ये हंसते हंसते वाला पॉइंट था। देखो, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेज फूड आइटम फॉर बींग सर्व टू इज कस्टमर, ना। एक्स एंड कैटरर ऑफ जोधपुर हैज बीन अवॉर्डेड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैटरिंग इन ए मैरिज टू हेल्ड एट जयपुर, द फर्म गिवन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई स्नैक्स टू बी सर्व्ड इन द मैरिज टू पीक्यू एंड सन्स, ए लोकल कॉन्ट्रैक्टर। यस, एकदम सेम लाइन ऑफ बिजनेस। आईटीसी एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विस अवेल्ड बाई फुटवेयर एक्सपोर्टर, ना। आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज अवेल्ड बाई कंपनी टू रन ए फ्री कैंटीन इट्स फैक्ट्री, कैंटीन में अलाउड होता है। देखो क्यों अलाउड है, इस जगह क्यों अलाउड है, द फैक्ट्री एक्ट रिक्वायर द कंपनी टू सेटअप ए कैंटीन, यानी कि कहीं ना कहीं ऑब्लिगेटरी नेचर का है। पर कैंटीन के लिए एक पॉइंट है, यहाँ देखो, ITC will avail in case of a canteen expenses by factory employing more than 200%, as a canteen factory canteen देता obligatory नहीं, मतलब obligatory है तो yes है, पर not obligatory, obligatory नहीं है factory में कि आपको canteen की facility देनी पड़ेगी। पर अगर obligatory नहीं है तो आपने लिखा ना, नहीं मिलेगा। पर अगर 250 से ज़्यादा है तो आपको लिखना पड़ेगा yes मिलेगा। ओके सर, समझ गए। फिर क्या, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी हैज टेकन मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, एकदम भूल जा, बॉडी तू बना, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना, ओरे ताल मिले नदी रे जल में। आ गया आ गया, वो आ गया, सबसे गंदा वाला प्रोविजन आ गया सर, हाँ आ गया, 15C भी आ गया और 15D भी आ गया सर। ये कभी समझ ही में नहीं आता है, पढ़ाना क्या है। तो लीजिए, मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि जिंदगी में आपको और कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
देखो हाँ अभिषेक 30 ml का इफेक्ट है। सही बोला रे बट्टा, सही बोला, बहुत 30 ml 30 ml करे जा रहा है। आ जाओ, ये हुआ कौन, ये है, याद रखना, बहुत मोटा मोटा लग रहा है, ऐसा तो बीवी नहीं है, बीवी तो दुबला पतला है। और दुबला पतला अदरक की तरह फूले जा रहा, और दुबला पतला इधर से निकल रहा। मेरे को किसी ने बोला, कलकत्ता में एक जन ने मुझे बोला, कोई स्टूडेंट है, बोला सर मुझे आपसे मिलना है। मैं बोला अरे बाप रे मिलना है, अभी बैठा हूँ तो पेट दिख नहीं रहा है, मिलेगा तो बोलेगा अरे लगी क्या है। मैं बोला ना बाबा अभी तो मैं नहीं मिलूंगा जब तक मैं जिम ज्वाइन नहीं करूंगा, आज तक जिंदगी में जिम नहीं ज्वाइन किया, अब जिम ज्वाइन करूंगा, जब बॉडी सॉडी बन जाएगी तब मिलूंगा, नहीं तो भाई इंप्रेशन खराब हो जाएगा। मैं तो नहीं मिला उससे, इज्जत का बात है गुरु, पूरा अदरक हो गया, कभी कहीं यहाँ से फूल रहा है, कभी ये फूल रहा है, ये फूल रहा है, मैंने खुद को देख के ना इरिटेशन होने लग गया है। अदरक भी शर्मा जाता है, जब अदरक कभी कभी चाय बनाने के लिए रात को 11:30-11 बजे चाय पीने का मन होता है मेरा पढ़ने के समय, तो मैं अदरक बना तो अदरक भी स्माइल कहते हैं मुझे क्यों कूट रहे हो, अपने आप को कूट लो, मुझसे ज्यादा तो तुम फैल रहे हो। ओ माय गॉड, ऐसी फीलिंग आती है ना, मैं तुमको क्या बोलूं। तो वीवी को एक बिल्डिंग बनानी थी। अच्छा सर, वीवी को एक बिल्डिंग बनाना, हाँ ध्यान से देखना, वीवी टावर बनाना था। बोलो ओके सर। ये जो वीवी टावर बनाने का जो शौक लगा ना, ये देखो वीवी इसमें अपना प्रैक्टिस भी खोलेगा, अपनी ऑफिस भी खोलेगा, बहुत सारा बिजनेस के लिए, अपना गोडाउन बिजनेस के लिए, अपनी ऑफिस, वीवी टावर खोलेगा। ओ मैंने सेक्शन क्या लिख दिया, 15, गलती से लिख दिया होगा यार, गलती से लिख दिया होगा यार, कहीं दिमाग में कहीं और देख रहे हो तुम लोग जो मेरे साथ करते हो ना, इसका ये इफेक्ट है। अच्छा ठीक, वीवी ने क्या किया, वीवी ने क्या किया, डीएलएफ को फोन किया, डीएलएफ मेरे लिए वीवी टावर बना के दो। तो डीएलएफ ने कहा ओके वी विल गोइंग टू कंस्ट्रक्ट वीवी टावर। इस पूरे घटनाक्रम के लिए इसने टैक्स इनवॉइस रेस किया 5 करोड़ और जीएसटी लगाया 5 करोड़ और जीएसटी लगाया 50 लाख का। वीवी ने पूछा कि सर इस जीएसटी का मुझे क्रेडिट मिलेगा। मैंने रक्षित भाई से पूछा सर अभिषेक कपूर भाई मिलेगा, जस्सी भाई मिलेगा, अकंचा मिलेगा, रुद्रेश भाई मिलेगा, नयन भाई मिलेगा, क्या बकवास, क्यों मिलेगा। वीवी को इस जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, नो आईटीसी, नो आईटीसी। पर डीएलएफ ने जब ये सारे काम किए होंगे, सोच के देखो, डीएलएफ ने जब ये सारे काम किए होंगे तो डीएलएफ ने क्या किया होगा। सर डीएलएफ ने टीएमटी खरीदा, यस। डीएलएफ ने सीमेंट खरीदा, बोला यस। डीएलएफ ने ब्रिक्स खरीदे, बोला यस। डीएलएफ ने एंगल और चैनल खरीदे, एंगल्स खरीदे, यस। चैनल खरीदे, बोला यस। डीएलएफ ने पेंट भी यूज किया, बोला यस, ठीक है ना, मार्बल भी यूज किया, बोला यस, प्लस सर्विसेज भी यूज की, आर्किटेक्ट की सर्विस एंड ऑल दिस, बोले यस सर।
इसीलिए तो आप समझो इस बात को कि डीएलएफ जो है ना, डीएलएफ जो है वर्क कॉन्ट्रैक्टर है, वर्क कॉन्ट्रैक्टर को सरकार ने सर्विस माना हुआ है। इन सारी चीज़ों के ऊपर डीएलएफ ने सीमेंट, ब्रिक्स, एंगल, चैनल, पेंट, मार्बल, इन सब के ऊपर डीएलएफ ने जीएसटी पेड किया होगा। बोला हाँ, डीएलएफ ने जीएसटी पेड किया होगा, तो रूल कहता है आईटीसी। तब रूल क्या कहता है आईटीसी? बोला यस, डीएलएफ को आईटीसी मिलेगा, क्योंकि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में। परंतु विक्रम बियानी को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। पर इसका एक एक्सेप्शंस है, इसका एक्सेप्शंस को ध्यान रखो। यहीं पे मान लो अगर एक फाउंडेशन बनाया जा रहा है, विक्रम बियानी एक फाउंडेशन बना रहा है, फाउंडेशन किस लिए? फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए। डीएलएफ को उसने क्या किया, मुझे क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करना है, ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है ना फाउंडेशन, प्लांट एंड मशीनरी। तो डीएलएफ इतना सारा, डीएलएफ क्या सर्विस दे रही है, फाउंडेशन बना रही है। तो इस केस में विक्रम बियानी को, वीवी को क्या आईटीसी मिलेगा? आंसर होगा यस सर, इसके लिए आईटीसी मिलेगा। बोलो आज क्या भूलोगे? ये एक गंदा वाला पॉइंट है, मैं आपको एक बात सिंपल सा बता देता हूँ। ये गंदा पॉइंट है जो शायद मोटर व्हीकल जैसा एक पॉइंट है ना, वैसा ही एक पॉइंट है, और लोग इसको कभी भी कॉन्फिडेंटली कभी सॉल्व नहीं करते, माने दे हैव ए टेंडेंसी टू याद कर लेने के लिए। तो यार आप समझो इस चीज़ को, इसमें ऐसा कोई हाथी घोड़ा मैदान नहीं है। थैंक यू, बस सुन भाई, थैंक यू। माने ये एक ऐसा पॉइंट है जो शायद इग्नोर कर दिया जाता है, बस एक रट लिया था फाउंडेशन ये वो, ऐसा नहीं होता है। इसकी मन को समझो, क्योंकि इसके बाद भूलने का कोई चीज ही नहीं। थैंक यू वत्सल भाई। इसके बाद तुम मुझे ये बताओ, क्या आज के बाद तुम्हें इन सब चीजों को पढ़ने की जरूरत है? लॉजिक की बात है, डीएलएफ सेम लाइन ऑफ बिजनेस में, डीएलएफ को मिलेगा, विक्रम बियानी को नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना? इसमें एक और चीज जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है इस पर्टिकुलर पॉइंट में, एक और निकल के आता है कि लोग बोलेंगे सर वीवी तो अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, देखो फालतू बातें ना करके कोई फायदा नहीं है, वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं, बिल्डिंग बना लिया, बिल्डिंग के ऊपर उसका, उसने जो बिल्डिंग बनवाई है वर्क कॉन्ट्रैक्टर ने, जीएसटी डी, उसका कोई क्रेडिट नहीं। पर एक उन्होंने बोला फाउंडेशन के लिए मिलेगा, दिमाग के नस नस में बैठ जाना चाहिए। ये हो गया ये वाला। अब आया 5D। 5D क्या है? डीएलएफ को ने बहुत पैसा कमाया, डीएलएफ ने पैसा कमाया, डीएलएफ बोला जब पैसा कमाया ठीक है भाई, अब डीएलएफ ने जब पैसा कमा लिया तो अब डीएलएफ भी क्या कर रहा है, डीएलएफ भी बना रहा है डीएलएफ टावर, समझ गए, अपने ही एम्प्लॉय के बैठने के लिए। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, ये कौन बना रहा है? डीएलएफ तो वर्क कॉन्ट्रैक्टर है, तो खुद ही बनाएगा ना। डीएलएफ अपनी बिल्डिंग खुद बना रहा है, अपनी बिल्डिंग डीएलएफ टावर अपने बिजनेस के लिए, और इस टावर को बनाने के लिए वो सीमेंट परचेस करेगा, इस टावर को बनाने के लिए टीएमटी लगाएगा, इस टावर को बनाने के लिए ब्रिक्स लेके आएगा, और बाकी तुम समझ गए एक्स्ट्रा। बोला हाँ सर समझ गए, तो यहाँ लिख लो आईटीसी, लिख लो नो। अब ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, जब डीएलएफ को अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, जो एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर है, वो अपनी ही बिल्डिंग बनाता है, अपने बिजनेस के लिए बनाता है। नहीं नहीं शिवांगी सर, फाउंडेशन केस में फिर डीएलएफ को तो नहीं मिलेगा, तुम कैसी कैसी बातें करते हो यार, कैसी कैसी बातें करते हो, शायद तुम जीएसटी नहीं समझ रहे हो शिवानी, तुम्हारे क्वेश्चन अच्छे नहीं हो रहे, तुम इस चीज को समझो। डीएलएफ को क्यों नहीं मिलेगा? डीएलएफ तो फंड ब्रिक्स लेके आया है, डीएलएफ ने जो पेमेंट किया डीएलएफ को मिलेगा, और वीवी ने जो पेमेंट किया वीवी को मिलेगा, कैसी बातें करते हो, ये सिंपल कॉन्सेप्ट को ही तुम हिला दिए। डोंट डू दिस शिवानी, डोंट डू दिस, रिक्वेस्ट है। बस अब तुम लोग क्वेश्चन
पूछ सकते हो, जो पूछना है पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो। ओहरे ताल मिले नदी रे जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले आईटीसी में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी रे जल में, सेक्शन जो 17 हुआ कितना बेगाना था, आज हम सब ने उसको जल्दी पहचाना था। सेक्शन 17 एकदम इजी, इट एक्सक्लूड लैंड बिल्डिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। बेटा क्यों इतना एक्सक्लूड उस रूल के ऊपर था? तुम लोग का एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, एक बात बताओ। मेरा तुषार भाई, सर इट एक्सक्लूड लैंड बिल्डिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो व्हाई यू आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ नॉनसेंस थिंग? ये क्यों क्यों ऐसा पढ़ रहे हो नॉट इंक्लूडिंग? ओ भाई साहब, सीधा भी तो कान पकड़ सकते हो ना कि विक्रम बियानी अगर फाउंडेशन स्टोन बना रहा है प्लांट एंड मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए, तो विक्रम बियानी ने जो जीएसटी डीएलएफ को दिया उसका क्रेडिट मिल जाएगा। पर अगर और किसी चीज के लिए लैंड बिल्डिंग बना रहा है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। खत्म करो कहानी, कहां प्लांट, कहां मशीनरी, कहां टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, इसका मतलब यह ओन अकाउंट में देखो, अब इस लाइन को पढ़ो आईटीसी की, स्वास्तिका सर सर ओन अकाउंट में कंस्ट्रक्शन कर। नहीं बेटा, सिर्फ एकदम सही बात बोले, ओन अकाउंट में करे तो वो फिर सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं आता ना, सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है तो नहीं मिल रहा है। तुम दिन पे दिन देवांशु, तुम दिन पे दिन खत्म होते जा रहे हैं, तुम दिन पे दिन, तुम्हारा पता नहीं क्या हो गया तुमको, आई डोंट नो बट से समथिंग रॉन्ग विथ यू। एम ए वैस का वीवी क्राइटेरिया से फाउंडेशन वाले केस में, ठीक है ना, मेरे यहाँ पे दो पॉइंट है। एक, वीवी ने कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग बनवाई, किससे बनवाई? वर्क कॉन्ट्रैक्टर से। तो वर्क कॉन्ट्रैक्टर ने तो जो सामान यूज किया जिस पे जीएसटी दिया उसको तो मिलेगा क्योंकि सेम लाइन है। वीवी को जो जीएसटी पेमेंट किया किसको किया? डीएलएफ को, जो 50 लाख का क्रेडिट मिला, नो आईटीसी उसको नहीं मिला। नो आईटीसी जो रुपया 50 लाख उसने पेमेंट किया डीएलएफ को, उसका कोई आईटीसी उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, पर वहीं पे अगर वीवी इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की फाउंडेशन बनवाता मशीन उसीन रखने के लिए, उसके ऊपर जो जीएसटी वो पेमेंट करता, वीवी को आईटीसी मिलेगा। किसका आईटीसी? जो उसने जीएसटी दिया है, किसको दिया है? टू डीएलएफ को, उसका आईटीसी मिल जाएगा। 30 ml लेके आया। अब तुम लोग को ये सब चीज समझ में नहीं आएगी, तुम लोग उसी लायक हो, किस लायक वही पढ़ो। तुम लोग को एक्ट में जो है ना, देखो आईटीसी नॉट वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का आईटीसी ने एक्सेप्ट वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई वर्क कॉन्ट्रैक्ट। इनपुट वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस यानी कि वीवी के लिए उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट वेयर इट इज एन इनपुट। इनपुट किसके लिए? डीएलएफ वालों के लिए। ये सारी सर्विस क्या है? इनपुट डीएलएफ वालों के लिए फॉर फर्दर सप्लाई, और वो फर्दर सप्लाई कर रहा है। डी क्या कहता है? गुड्स और सर्विस रिसीव बाई ए टैक्सेबल पर्सन, मतलब डीएलएफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इनवॉल्व प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन अकाउंट। डीएलएफ अपना ही टावर बनवा रहा है, इवन वेन यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं मिलेगा। खत्म हो गया। चलिए अब आपके एक बार आप लोगों को देख लेता हूं। देखो ध्यान से देखो, एक कंपनी, ध्यान से देखो, ठीक है ना, तो सर ठीक है बेटा, ये सब मुझे टेलीकम्युनिकेशन ये सब पढ़ाते हो लोग, ऐसे ही पढ़ाते हो टेलीकम्युनिकेशन प्लान। अरे बाप रे बाप, हाथ जोड़ो उनको, तो उनको हाथ जोड़ लो, बोला भाई तू रहने दे। ए कंपनी बाय सीमेंट टाइल्स एंड अवेल द सर्विस ऑफ एन आर्किटेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग, ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग, ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग ना, जा भग जा यहाँ से, भग जा, अपनी बिल्डिंग बनाएगा तो नहीं मिलेगा। MN Construction procured cement, paint, iron rod, service of architect, interior designer for construction of a commercial complex of one of its client. एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा।
A company buys cement, tiles, and avails the service of an architect for renovation of its office building. ठीक है, the company has booked such expenditure in PL account. This point you must know. उसने कहाँ डाला? PL. PL account में ना revenue expenditure treat किया है, capitalize नहीं किया, revenue expenditure है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो आंसर ये अपना यस. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीएल में क्या तो मिलेगा. आईटीस एंड गुड्स एंड सर्विस यूज्ड बाय एन ऑटोमोबाइल कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन ऑन विच मशीनरी. एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा. अब तुम ध्यान से देखो, एक चीज को मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखो. वर्क कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन सर्विस क्या बोलता है? इमोल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग और एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइन, लेड. बकवास है, सीधी सीधी बात. इमोल प्रॉपर्टी ये सब इंग्लिश क्यों पढ़े? लैंड, बिल्डिंग, ध्याना दाना. नो आईटीसी कैपिटलाइज, आईटीसी पीएल, पीएल में दिया तो आईटीसी मिलेगा, कैपिटलाइज क्यों तो नहीं मिलेगा. प्लांट एंड मशीनरी, अगर फाउंडेशन के लिए आईटीसी मिलेगा, फर्दर सप्लाई आईटीसी मिलेगा. हो गई बात खत्म. इसके बाद ओहो सॉरी सॉरी, इस स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, इस स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, सॉरी सॉरी, मेरा मेरी गलती है. देखो ध्यान से देखो, सॉरी सॉरी, एक सेकंड, कुछ चलो कुछ नया बना के दिखाता हूँ तुम लोगों को. इनवर्ड सप्लाई, ध्यान रखना, इनवर्ड सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट. Inward supply of work contract service for चाहिए. चलिए मैं आपको कुछ नया बताता हूँ. Inward supply of work contract service for, आपने work contract service ली, inward मतलब ली, किस लिए ली? ये देखो, या तो इसके लिए ली, या इसके लिए ली, या इसके लिए ली, या इसके लिए लिए. अच्छा, इसने चार पॉइंट बना लिए. हाँ बेटा बना लिए. कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने इनवर्ड सर्विस के लेके क्या क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाई. इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है सर. या फिर आपने क्या किया? कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, आपने फाउंडेशन बनाया. क्यों बनवाया फाउंडेशन दोस्त? क्यों बनवाया फाउंडेशन आपने? फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी, ओके सर. अगर वहीं पे कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो ऑफ मूवेबल, मूवेबल, मूवेबल प्रॉपर्टी, अब यहां पे तुमको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गई. फॉर फर्दर सप्लाई, फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, यानी सेम लाइन ऑफ बिजनेस की बात कर रहा है. बोले यस सर. तो ध्यान से देखो, यहां पे कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी इन्होंने लिख दिया, भूल के भी मेरे पास मत आना. नो, फाउंडेशन के लिए यस, मूवेबल प्रॉपर्टी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यस, और फर्दर सप्लाई में यस. पर अगर आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है और अगर आपने इसको कैपिटलाइज किया है, एक और पॉइंट आ जाता है, कैपिटलाइज या आपने पीएल में चार्ज किया. कैपिटलाइज किया तो एकदम भूल जाओ, और पीएल में अगर गलती से चार्ज किया यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया तो ले. इसके बाद में तुम्हें क्या सिखाऊं? इसके बाद और मैं क्या सिखाऊंगा तुमको? सेम लाइन ऑफ बिजनेस राजवी, सेम लाइन ऑफ बिजनेस. ओन अकाउंट यू कैन क्लेम, सेम लाइन ऑफ बिजनेस. फर्दर सप्लाई के लिए आ गया ना, फर्दर सप्लाई, फर्दर सप्लाई के लिए आपको मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है. चलिए, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. बोले यस सर, एकदम क्लियर है. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. नेक्स्ट, ये आ गया आपका सेक्शन.
सेक्शन फिफ्टीन सबसेक्शन टू क्लॉज ई फिफ्ट सॉरी फिर मैं से 15 क्यों मेरे दिमाग में आना पता नहीं क्या हो गया आज 17.5 17.5 17.5 17.5 and 17.5 गजब। मोहम्मद भाई सर सीमेंट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन बेसलाइन टू फिक्सिंग मशीनरी विद जीएसटी बेटा फिक्सिंग मशीनरी बेसलाइन फाउंडेशन इफ ये दैट टर्म एज ए फाउंडेशन और बेसलाइन जो बना रहे हो उसको पीएल में ही जनरली कंपनी चार्ज करेगी वो बेसलाइन के लिए जो सीमेंट है उसको पीएल करती है पर उसको या तो फिर वो कैपिटलाइज करे तो बोलेगी फाउंडेशन तो मिल जाएगा। आज टीवी पता नहीं क्यों याद आ रहा है टीवी याद आ रहा है पता नहीं क्यों। देखो गुड्स और सर्विस और बोथ ऑफ दिस टैक्स इज पेड अंडर सेक्शन 10 ओ बाबा कंपोजिशन वालों की बात कर रहा है कंपोजिशन वाले को आईटीसी नहीं मिलेगा दादा नहीं मिलेगा। गुड्स और सर्विस बोथ रिसीव बाय एनआरटीपी भूल जाओ दादा गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव बाय एनआरटीपी ना दादा ना ये लोग जो जीएसटीआर 5 फाइल करते इन लोगों के लिए नहीं है। गुड्स और सर्विस यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन दादा ये तो पहली ही बात हो चुकी है पर्सनल वाले थोड़ी ले लेंगे। अब बताओ गुड्स चोरी हो लॉस्ट हो गया या गुड्स स्टोलन हो गया चोरी हो गया डिस्ट्रॉयड हो गया रिटर्न ऑफ और डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल कैसे मिलेगा क्योंकि आप फर्दर सप्लाई करोगे तब आईटीसी का फंड आएगा। जो गुड्स लॉस्ट हो गया जो गुड्स स्टोलन हो गया जो डिस्ट्रॉयड हो गया जो राइट ऑफ कर दिया आपने दोस्त एक बात बताओ इन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय राइट ऑफ कर दिया आपने इसने ये तो आपका फर्दर सप्लाई नहीं हुआ तो जीएसटी नहीं आएगा जीएसटी डबल टैक्सेशन नहीं आएगा और जब डबल टैक्सेशन ही नहीं है तो आईटीसी कहां से क्योंकि आईटीसी का कॉन्सेप्ट ही जन्म लिया है किस लिए फॉर डबल टैक्सेशन। हो गई बात खत्म चलिए सर आइए नेक्स्ट पॉइंट अब आ जाओ फटाफट एकदम तूफान की तरह रेडी रहना रेडी इलस्ट्रेशन नंबर 7 तूफान की तरह रेडी हो जाओ। Determine the amount of input tax credit available to POSCO Limited in respect of the following item procured by them in the month of February. February याद रखना. Input used for the manufacturing of final product. एकदम yes. Food and beverage procured for sweet caterer for employee under statutory obligation. Yes. ठीक है. Goods used for providing service during warranty period. Warranty period. Yes. Warranty तो transaction value का part होता है ना. Warranty तो section 15 subsection 2 clause C का part है. गुड्स यूज फॉर सेटिंग अप ए टेलीकम्युनिकेशन टावर ये सब ये देखो ये ही सब लोग क्या करते हैं कंफ्यूज कर टेलीकम्युनिकेशन टावर ये टावर भैया बक इनपुट स्टोलन लो ये क्या था सर पानी था कुछ नहीं था इनपुट ट्रेड मंथ ऑफ जनवरी बोला है गुड्स यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल फ्लोर ऑफिस बिल्डिंग एकदम भाग जाओ पैकिंग मटेरियल यूज इन फैक्ट्री यस सर एकदम मिलेगा पैकिंग तो 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी का पार्ट है गुड डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द नेचुरल कैलमिटी ना सर ना एक काम करता हूँ नो और यस लिख देता हूँ नहीं तो बाद में जब तुम लोग करोगे ना तो बड़ा पंगा करेगा मेरे सर तुम लोग गुड्स यूज फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस बिल्डिंग एंड कॉस्ट ऑफ सच रिपेयर पीएल ले लो पेपर फॉर फोटो कॉपिंग मशीन यूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस पर्पस बिजनेस पर्पस यस गुड्स गिवन एज ए गिफ्ट एकदम भूल जाओ इनपुट यूज फॉर टेस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल चेक इंस्पेक्शन चार्जेस 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी का पार्ट है ये यस दादा इतनी स्पीड में जीएसटी बनाए आईटीसी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है बस आपके दिमाग को और अपने आप पे भरोसा रखो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 9 मंथ ऑफ मार्च गुड सप्लाइड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन इन ए फैक्ट्री एकदम यस है कोई डाउट ही नहीं है सर गुड्स परचेज फॉर बीइंग यूज्ड इन रिपेयरिंग द फैक्ट्री सेट एंड सेम इन कैपिटलाइज एकदम भूल जाओ सर कैपिटलाइज है सीमेंट यूज फॉर मेकिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर प्लांट एकदम सर एकदम ये तो हमारे खून में आपने डाली दिया आज इनपुट यूज इन ट्रायल रन एकदम ट्रायल रन इज अ पार्ट फूड एंड बेवरेज परचेज फॉर द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ऑफिस आवर अंडर नॉट अंडर स्ट्रैक्टरी एकदम भूल जाओ नो सर क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा बेटा मजे हो रहे हैं
इसो को कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में हुल्ला ला 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 हुल्ला ला, इसी को कहते हैं। आ जाओ आ जाओ, ठीक है। एयरक्राफ्ट, अच्छा ये क्या बोल रहा है, एन एलिट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड सर्विस ऑफ ए ट्रेनिंग पायलट इन फ्लाइंग कमर्शियल एयरक्राफ्ट सो दैट कैंडिडेट बिकम एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग एविएशन लाइसेंस डिटरमाइन वेदर द इंस्टीट्यूट इज एलिजिबल। यस, इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज कर रही है, इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज, इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज, यस 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 यस, हुला लाला हो गया। नेक्स्ट 11, कृष्णा मोटर कार डीलर सेलिंग कार ऑफ एन इंटरनेशनल कार कंपनी हैविंग सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 7% एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, ITC मिलेगा? हाँ मिलेगा, कार डीलर है मिलेगा, यहाँ पे सिटिंग वोटिंग नहीं देखते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस ऑफ कार सोल्ड बाई इट ऑल्सो अदर कार, ये इसको भी ITC मिल जाएगा। इट सिक्योर एडवाइज ऑन एडविजिबिलिटी ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा क्या, कार परचेज फ्रॉम द मैनुफैक्चर फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच कार, टू ऑफ सच कार आर डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट वाइल बींग यूज फॉर टेस्ट ड्राइविंग। जो दो कार जो डिस्ट्रॉयड हो गई है उसके लिए नो ITC, हटाओ। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल फॉर कंस्ट्रक्शन कार वॉशिंग सेट, नो, कार वॉशिंग सेट के लिए नहीं मिलेगा। तो सर तूफान है, हम तो तूफान है। लो 12, मंथ ऑफ जुलाई के लिए बोला। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर टू बी यूज इन द फैक्ट्री, यस एकदम यस है। ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट इन द फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट, इनपुट है ना, गुड्स है, यस। रॉ मटेरियल, सर बोलने की जरूरत ही नहीं थी, यस। कॉन्फेक्शन आइटम फॉर कंजम्पशन एम्प्लॉय वर्किंग इन द फैक्ट्री अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, सर यस करो ना, सर यस करो, हो गया, हाँ सर हो गया। चलो नेक्स्ट 13, XYZ लिमिटेड इंगेज इन द मैनुफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स कंप्यूट ITC अवेलेबल विद XYZ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अच्छा फॉलो, इनपुट टैक्स 1,20,000, वन इन्वॉइस ऑन GST पेबल वॉज ₹10,000 इज मिसिंग, तो 1,10,000 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, 1,10,000 मिलेगा, बोला हाँ सर मिलेगा। इनपुट आर टू बी रिसीव्ड इन टू इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर, ना नहीं मिलेगा क्योंकि हमको अक्टूबर का निकालना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा 1,80,000। XYZ लिमिटेड कैपिटलाइज द कैपिटल गुड्स एट फुल इन्वॉइस वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ GST, इंक्लूसिव GST नहीं मिलेगा। वन इन्वॉइस 2,50,000 है, वन इन्वॉइस डेटेड 20/1/2020 ऑन विच GST पेबल वॉज ₹50,000 हैज बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर, मुझे उससे क्या करना है, इन्वॉइस से, इन्वॉइस से मुझे क्या, उस साल ले लिया होगा ना तुमने, गुड्स मिल गया होगा इन्वॉइस के समय 2,00,000 रुपया। और दूसरी बात, एक रिसीव्ड इन अक्टूबर है, ये कब का इन्वॉइस है, 20/1/2020, 20/1/2020 मतलब 2021, बोला हाँ सर, नहीं सर 2021 नहीं, 19/20, इसका लास्ट डेट क्या होगा, इसका लास्ट डेट होगा द एनुअल रिटर्न फॉर द फिनेंशियल 15 सितंबर, एक होगा 20 अक्टूबर 2020 और दूसरा होगा 15 सितंबर 2020, विच एवर इज अर्लियर, हैज बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर, मतलब ही नहीं है, खाली 2,00,000 का मिलेगा, खत्म हो गया। दादा नहीं रहा, 16-4 का फंडा है ना, 20 अक्टूबर 15 से, अच्छा हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने बनाई, नया संग तूफान बनाया मिलन के साथ जुदाई, ईजी के साथ टफ बनाया टफ के साथ बनाया, ईजी हमको दोनों ही आवत है, जल्दी जल्दी बन जावत है। आओ कंप्यूट अक्टूबर, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विस एकदम बिजनेस से रिलेटेड है, मिलेगा एकदम। हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस फॉर एम्प्लॉय सर्विस आर नॉट प्रोवाइड अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, एकदम ना कर दो सर, भगा दो इसको, काचा बात हम। इसके बाद
रूटिंग मेंटेनेंस ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय उज्जवल मोटर्स, रूटिंग मेंटेनेंस ऑफ कार एकदम उज्जवल मोटर्स है, कंप्यूटर उज्जवल मोटर्स उसका काम ही है मैन्युफैक्चरिंग, तो मिलेगा ही मिलेगा। रिपेयर सर्विस ऑफिस बिल्डिंग रिपेयर चार्ज इन पी एल अकाउंट एकदम ले लो, एकदम ले लो। ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय फॉर वैकेशन एंड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन एकदम ले लो, एकदम ले लो। टेस्टिंग सर्विस अवेल फॉर कार इंजन एकदम ले लो, एकदम ले लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। सर सर हो गया बेटा हो गया, मैं क्या करूँ, हो गया तो लो 15 नंबर क्वेश्चन लो, सितंबर का निकालना है। सेल्स प्रमोशन सर्विस एकदम ले लो, एकदम ले लो। हेल्थ एंड फिटनेस सर्विस अवेल फ्रॉम फिजिक क्लब फॉर अपकीप ऑफ हेल्थ ऑफ देयर एम्प्लॉय द सेट सर्विस आर नॉट अवेल अंडर गवर्नमेंट एकदम मत लो, एकदम मत लो। हायरिंग ऑफ मोटर बस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय सीटिंग कैपेसिटी आँख बंद करके ले लो, आँख बंद करके ले लो। मार्केट रिसर्च, रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। क्वालिटी कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफिस बिल्डिंग एकदम ना है, एकदम ना है, एकदम ना है। ये हो क्या रहा है सर, ये हो क्या रहा है, ये कोई ना कोई जालसाजी हो रही है। नहीं बेटा कोई जालसाजी नहीं, एकदम मस्त है। एक्स वाई जेड लिमिटेड मैनुफैक्चर विच इज इंगेज इन द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एट परचेज 10,000 केजी ऑफ इनपुट फॉर रुपीज 10 लाख रुपीज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन ड्यू टू अ टेक्निकल चेंज इन मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस द सेट इनपुट बिकम ऑब्सोलेट एंड देयर वैल्यू हैज बीन रिटर्न ऑफ इन द बुक्स अकाउंट एक्सप्लेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। रिवर्स करो, रिवर्स करो, क्यों रिवर्स करो, रिवर्स करो, रिवर्स करो, रिवर्स करो, कहाँ करो, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिवर्स करो, क्योंकि ऑब्सोलेट हो गया, आप क्रेडिट ले चुके हो, वो आपको मिलना नहीं चाहिए। रिवर्स करो, रिवर्स करो, रिवर्स करो, रिवर्स कर दिया सर, कर दिया। आप खुश मत हो, खुद इतना टेंशन लेने के मध्य से रिवर्स मतलब पेड करो, जब इतना टेंशन क्यों लेते हैं सर। आगे एक्सिमिटी इंगेज इन सप्लाई ऑफ 17 नंबर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी इट गिट्स अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क टू सब कॉन्ट्रैक्टर। आगे सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन यही होने वाला है कि सब कॉन्ट्रैक्टर को उसने जीएसटी दिया क्रेडिट मिलेगा। यस क्रेडिट मिलेगा, आईटीसी मिलेगा, किसका, जो जीएसटी पेड टू वर्क कॉन्ट्रैक्टर, जीएसटी पेड टू। एक इमेजिन करो, एकदम रिवर्स करना पड़ेगा। कौन सा लास्ट वाला, 13 का कौन सा लास्ट वाला, दे भाई एक बार बताना दादा, लास्ट वाला एक बार और बता दिए प्लीज। इलस्ट्रेशन 13 का, इलस्ट्रेशन 13, तुम बहुत पीछे चले गए दे भाई, 13 का लास्ट वाला। बेटा याद नहीं है आप कब तक क्रेडिट ले सकते हो, मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है 16-4 में। ये इन्वॉइस किसका था, एक इन्वॉइस था 20 जनवरी का, ऑन विच जीएसटी पेबल 50,000 हैज़ बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर, आपको अक्टूबर में मिला, यानी कि उस समय आपने आईटीसी नहीं लिया हुआ क्योंकि इन्वॉइस मिसिंग था। तो उस केस में अपने मैंने क्या सीखा है, मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या आईटीसी लेने की, अगले साल के 20-21, ये कब का है, 19-20 का है, 19-20 का कब होगा, अक्टूबर सितंबर का रिटर्न फाइल होगा कब तक, अक्टूबर 20 अक्टूबर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 15 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर, तो 15 सितंबर तक आप मैक्सिमम ले सकते हो, पर इनवॉइस है अक्टूबर में इसलिए मिलेगा ही नहीं। मैक्सिमम टाइम लिमिट का क्वेश्चन था ये, 16-4 का पॉइंट था बेटा, 16-4 का। एक बात दिल से बोलोगे, एक बात दिल से बताओगे, दिल से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप पहले भी कई बच्चे हैं जो आईटीसी पहले भी पढ़े हैं, क्या आपको कभी लगा ये आईटीसी एक ऐसा टॉपिक है जो शायद पहली लाइन से आंसर आ जाता है। फोबिया है मार्केट में आईटीसी को लेके, घंटों घंटों आईटीसी को लेके बर्बाद कर दिए जाते हैं, या तो 3 घंटे की लेक्चर हुए, 3 घंटे में आधे घंटे तो काचा बादाम चला है, 1.5-2 घंटे में 20 प्रॉब्लम कर लिए, प्रोविजन याद कर लिए, और क्या चाहिए है? एक ही चीज है कि आपको अपने आप पे भरोसा करना है। एक्स वाई जेड इंगेज इन सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, देखो पैसेंजर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इट परचेज 10 मोटर कैब फॉर 36 लाख प्लस जीएसटी, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज एक्स वाई जनवरी इफ इट कैन अवेल आईटीसी, ले सकती है कि नहीं आईटीसी, यस आईटीसी क्यों नहीं ले सकती है, ले सकती है नहीं ले सकती है। इन द मंथ इट हैज परचेज 10 कैब फॉर द 36, इंगेज इन द सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ठीक है ना, तो इंगेज इन द, इन दिस केस एक्स वाई जेड इंगेज इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इसलिए आईटीसी ले सकती है। आप काम करके 19
XYZ कंडक्टेड एनुअल जनरल मीटिंग एट इज हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली। समझ गया है क्या करने वाला है, ये कैटरिंग का क्वेश्चन है। एंड आई विल सर्विस ऑफ डेलीशियस कैटरर ऑन द ओकेजन एंड चार्ज 15 लाख प्लस GST नो ITC। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भैया, सेम लाइन ऑफ बिजनेस वालों को मिलता है। अच्छा फिर आ गया, अरे बाप रे फिर से कैनवीन आ गया। अच्छा 20, ए रजिस्टर्ड सप्लायर इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैंक्स, द कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू GST। I honored Bhagyasri, I honored and Dils, I love you. Same line of bus nahi hai. ये शुभम ये क्या, मैं समझा नहीं। सेम लाइन ऑफ बस, सेम लाइन से बस का क्या मतलब है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन में तो नहीं दिया, कल ही बताया था मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। थैंक यू, आगे बताओ। परचेज ऑफ मशीनरी वेयर डेबिट नोट इज इशूड, परचेज ऑफ मशीनरी वेयर डेबिट नोट इज इशूड, GST पेड ऑन परचेज ऑफ मेड इनपुट। हाँ डेबिट नोट के बेस पे आप ले सकते हो, ले सकते हो डेबिट नोट के बेस पे। इनपुट परचेज वॉर डायरेक्टली डिलीवर्ड टू मिस्टर जॉय ए जॉब वर्कर एंड रजिस्टर्ड सप्लायर, एकदम ले सकते हो। मैं डायरेक्टली जॉब वर्कर के यहाँ, मैं अपने यहाँ लाता फिर जॉब वर्कर को सामान भेजता फिर वहाँ आता, मैंने वहीं पर दे दिया। कंप्यूटर परचेज डेप्रिसिएशन ऑन क्लेम ऑन सेज GST पोर्शन, जब खुद ही लिख रहा है कि GST पे डेप्रिसिएशन ले रहे तो आगे क्यों पढ़ रहे हो। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल फॉर कंस्ट्रक्शन स्टाफ क्वार्टर, एकदम भूल जाओ, किसी जिंदगी में ना मिलेगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, खत्म हो गया सम। अब ये दूसरा लेवल का सम आ गया 17.4। नहीं ये करेंगे सर, 22 तो करेंगे करेंगे, लो करते हैं स्टार्ट। यस बैंक हैविंग, अच्छा ये यस बैंक है, यस बैंक है, यस बैंक है, यस बैंक का 17.4 इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई। यस बैंक का सर्विस करो 17.4 में तो तुमको वो बनाना पड़ेगा, तो बैंक कहीं पर छोड़ रहा हूँ, आगे सेक्शन 18। तो चलिए शाम को मिलते हैं, रात को 8 PM रामबन में IFOs के साथ, और संडे को मिलते हैं सेक्शन 18 के साथ। मैं 18 आपको ख़त्म कराऊंगा, संडे लास्ट क्लास है, सारे 40-50 क्वेश्चन बाकी सारे कराऊंगा, जब तक ख़त्म नहीं होगा संडे को तब तक क्लास चलती रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि मंडे को मैं स्टार्ट करूँगा, मंडे को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मंडे एंड ट्यूसडे चलेगा, पहले से बता देता हूँ, सेक्शन 31-36। मुझे एक बात बताओ, रिटर्न ऑफ इनकम टॉपिक कैसा लगा तुम लोगों को पढ़ के? रिटर्न ऑफ टॉपिक नहीं पढ़ आज नहीं, आज नहीं, रिटर्न ऑफ टॉपिक कैसा लगा तुम लोगों को? कल जब क्लास हो रही थी रिटर्न ऑफ रिटर्न, और मुझे लगता है दिस रामबाल सीरीज इज द ऑन अ पीक, एक तरीके का ये कैसी सीरीज है जहाँ पे मतलब कि मैं तुम्हें क्या बोलूँ, ये क्या कितना स्पीड में आएगा तुम्हें कैसे बेटा, सोम थैंक यू। नहीं ऐसा कुछ नहीं, फ्यूचर CA तो बस CA बन जा। बोलता महेश बोलता है सर ये क्वेश्चन करके माय माइंड प्लानिंग फॉग, सर गर्मी बढ़ गई है, गोवा का प्लान करता है, नालायक गोवा में क्या करेगा है, नालायक आदमी, गोवा में भी तो गर्मी होगी। मोहित सर मैंने आपके GST मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे बेटा, टेलीग्राम चैनल में, मेरे टेलीग्राम चैनल में सारे मिलेंगे, वो देखो रक्षित है, छवि है, ये तुमको हेल्प कर देंगे, हेल्प कर देंगे मोहित, चिंता मत करो, छवि रक्षित जानी तो उज्जवल थोड़ा हेल्प कर देना मोहित का, नदीम भाई कर देना। काचा बादाम दादा काचा बादाम, अमर कच्ची नहीं दादा भाजा बादाम, अमर कच्चे नहीं दादा भाजा बादाम। चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं शाम को।